उत्तर प्रदेश के कानपुर में लोगों ने एक अजीबोगरीब कारनामा किया है। शहर में सड़क किनारे बैठे समोसे खस्ते या पान का ठेला लगाने वाले 256 लोग करोड़पति पाए गए। इन करोड़पतियों में सिर्फ ठेले वाले ही नहीं बल्कि किराने की छोटी सी दुकान चलाने वाले या दवा के व्यापार करने वाले 65 से ज्यादा लोगों के पास भी करोड़ों रुपये हैं। वहीं इनकम टैक्स की जांच में ये भी पता चला है कि फल बेचने वाले छोटे छोटे दुकानदार सैकड़ों बीघा खेती के मालिक हैं। देखिए अविरल गुप्ता की खास रिपोर्ट। अगर आपको कहें कि सड़क पर ठेला लगाकर चाय समोसे पकौड़े और चाट बेचने वाले करोड़पति हैं तो आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये हकीकत है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में ऐसे ही मामले सामने आए हैं। यहाँ पर ठेले खोमचे में पान खस्ते और समोसे बेचने वालों के पास आयकर विभाग ने करोड़ों रुपए की संपत्ति पकड़ी है। आयकर विभाग के अनुसार बिग डेटा सॉफ्टवेयर टेक्निक की मदद से अब ऐसे जालसाजों को पकड़ना मुश्किल नहीं है। ऐसे लोग लगातार प्रॉपर्टी खरीदते जा रहे हैं लेकिन सरकारी डिटेल से बाहर हैं। इन लोगों ने कभी भी सरकार को टैक्स के नाम पर एक रुपया तक नहीं दिया। कानपुर के बिरहाना रोड, माल रोड, पी रोड के चाट व्यापारियों ने जमीनों पर खूब पैसा खर्च किया है। दरअसल जांच में पता चला है कि GST रजिस्ट्रेशन से बाहर इन व्यापारियों ने 4 साल में 375 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी अर्जित की है। ये संपत्तियां आर्य नगर, स्वरूप नगर, बिरहाना रोड, हूलागंज, पी रोड, गुमटी जैसे बेहद महंगे कमर्शियल इलाकों में खरीदी गई हैं। इसके अलावा दक्षिण कानपुर में रिहायशी जमीनें भी इन छोटे व्यापारियों के पास है। कई ठेले वालों ने तो 650 बीघा खेती भी खरीद के रखी है। ये जमीनें कानपुर देहात, कानपुर नगर के ग्रामीण इलाकों बिठूर, नारामऊ, मंदना, बिल्हौर, ककवन, सरसौल से लेकर फरुखाबाद तक है। आयकर विभाग की टीम ने लगातार एक बात निकाल करके सामने रखी थी कि 253 ऐसे ठेले वाले थे, दुकानदार थे, कबाड़ी वाले थे, जिनके पास में फल वाले भी थे, जिनके पास में आय से ज़्यादा संपत्ति थी और टैक्स भी नहीं देते थे। लेकिन उसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ दुकानदार ऐसे भी हैं जो टैक्स लगातार भरते आ रहे हैं। आपकी कब से दुकान है? हमारी दुकान करीब 80-82 साल पुरानी है। टैक्स की अगर बात की जाए तो आप टैक्स भरते हैं? टैक्स भरते हैं, लाइसेंस हम लोग का बना हुआ है, नगर निगम से टैक्स जमा करते हैं, बिजली बिल जमा करते हैं और सब वगैरह सब मार्केट में जमा होते हैं। 253 लोगों ऐसे पाए गए हैं, ऐसे फल वाले पाए गए हैं, कबाड़ी वाले पाए गए हैं, दुकानदार पाए गए हैं जिन जो टैक्स नहीं भरते और करोड़ों की संपत्ति उनकी, उसको लेकर के खबर पड़ी, आपने क्या कहना चाहते हैं? हाँ, कुछ ठेले वाले ऐसे हैं उनके पास संपत्ति है लेकिन ठेला लगाने के नाम पर वो टैक्स जमा करते नहीं है, उनका कोई खर्चा है नहीं, कमाई अच्छी है उन लोग की, वो कमाई से उन लोग देख लीजिए इतने ठेले वाले हैं कि उनकी संपत्ति जमीन भी है, प्लाट भी है और कांचीराम में मकान भी है और पुलिस को पैसा दे के ये लोग ठेला लगाते हैं, अच्छी कमाई करते हैं और इन लोगों पर कोई ध्यान नहीं देता है। क्या कहना चाहते हैं आप वो योजना का भी लाभ उठाते होंगे, सरकारी योजनाओं का आप लोगों को लाभ? ठेले वाले इतने सरकारी योजनाओं का लाभ उठाते हैं और उनको लाभ मिलता है और लाभ लेने के बाद भी ये लोग टैक्स नहीं देते हैं और पैसा बचाते हैं। ये कहीं ना कहीं जो आयकर विभाग की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 253 लोग ऐसे शहर में चिन्हित किए हैं जो टैक्स पे नहीं करते हैं और उनकी संपत्ति की बात की जाए तो करोड़ों की संपत्तियां उनके पास में हैं, करोड़ों के मकान वो ले रखे हैं, करोड़ों की ज़मीनें ले रखी हैं। ऐसे कहा जा रहा है कि ऐसे में फल वाले हैं, सब आपके कुछ चाट वाले हैं, कुछ कबाड़ी व्यापारी हैं जो आज रईसों की श्रेणी में हैं और टैक्स पे नहीं करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो लगातार टैक्स पे करते हैं और उनको सरकारी योजनाओं की अगर बात की जाए तो उनका लाभ उनको नहीं मिल पाता है। कर्णवर्धन वीरेन सिंह के साथ अविरल गुप्ता, न्यूज प्लस, कानपुर। ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज प्लस। न्यूज प्लस 24/7 चैनल को सब्सक्राइब करें, अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाएं।